कार्ड पुराना हो गया सर, कार्ड वापस दो। अभी सेफ मदनलाल, मदनलाल हरना आपको तो विश्वास करना है। सुनो सुनो भाई सुनो, कंसम गोदारा ये हमारी बात है, तुम ये हमारी मनीता मीना राणा संघा का सलाह काम मालूम बेटी का बाप पटो बोली थे हैं, दोसा के अंदर ही है बसवा के अंदर श्री राम नाम करो नागौर को तेजा जी का जन्म तो खरनाल में हुआ था, वो खरनाल को किस जिले में आता है, नागौर में आता है, कौन सी तहसील में आता है, मैं पूरी पूरी इतनी बड़ी चीज प्रसिद्ध भारत के अंदर रोज में नहीं पता है, आज वो बॉर्डर चलो तो दे अजमेर से आए सर, अरे आओ इनसे पूछे तो आए, इनसे पूछा नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ तुम्हारा तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा है, इसको गौर से देख इस इंसान को, यही वो सच है, गांव के देख रहे इसका वीडियो कट कर दिया था कैमरा, नहीं नहीं हटा दे बस, अब तो राजी गांव का देखते तो गांव के देखते तो क्या हुआ, तुम अच्छा करो तो शाबाशी मिलेगी, दल करोगे तो मैं क्या करूँ पता पता नहीं चलता है ना एकदम, नहीं अभी गांव में मैं यहाँ दारू पीऊँ गांव के देखे गलत नाम ऐसा तो नहीं, लेकिन वो स्टेटस लगाते हैं और चलते गांव के लगाते हैं, कौन सा गांव है, नागला नागला कहाँ पर पड़ता है, ब्यावर के पास में पड़ता है, ब्यावर नया जिला होंगे आप उसमें आते हो क्या, तो फिर तुझे अजमेर कैसे पता है कि अजमेर से आता, तेरे को ये पता तो है तू किस जिले से है, कौन फ्रॉम बता कौन से जिले, अजमेर में ही है अभी, अब इसने क्या बोला पंजाब के पास अभी बोला सीमा पे है मतलब किसकी सीमा पर है, कौन है सीमा क्या कर रहे हो, बात तो तेरे को सुमेल के पास सुमेल की सीमा है और तू नागालाव का तेरा नाम क्या है, चेतन चौधरी है उसके साथ सीमा बना रहे हैं, है सीमा बना रहे हैं गेट के पास, ये तो खाता तो नहीं ना, इसे कौन सी तहसील में जावर में मिली है, हाँ केकड़ी केकड़ी पैर फिर कौन सी पता नहीं हाँ, इसीलिए मानता हूँ ये क्या कि तुम पढ़ कर लिया बजाओ पढ़ लिए तुम, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा जिला टूट गया एक महीना हो गया और कौन सी तहसील चली गई, बोलो तेरे से कोई मास पटकर यहाँ से ले जाए और तो एक महीने बाद क्या, ओह माय गॉड तुम मौतदार हो रहा है, कैमरे से तो लगता है कैमरा हटा तो भी बता देगा गलत बात है, नहीं नहीं अपने जिले के बारे में तुम नहीं सीख रहे हो, मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ पैसा मेरी किताब आ गई ले लो पढ़ो फिर उसको मेरा मत बनने सुनो धौलपुर के बारे में क्या बताया, वो बात बता दे
मन सुकून है तो उसमें और वो तो वही है, तो उसके बारे में अलग दो बात है। क्या करना है क्या मुझसे गंगा करा नहीं आ रहा हूँ, एशिया का सबसे बड़ा तो अरे जो आगे पीछे लाता ना भूत आत्मा मारने बोली तू सोचा कि नजर में बोली एक राहुल मार दिया कितने साल से पढ़ाई की तरीका पहली बार कोचिंग में कहां तक पढ़ाई कर ली एमए चल रही है अभी अगर देखा जाए तो एमए वाला विद्यार्थी होता है वो बिल्कुल समझदार होता है ये अपना उसको ऐसे तो कह नहीं सकते भी टॉपर है गुटखा खाओ दारू पियो बाहर जाकर चाय के पट्टी पर बैठ जाओ रोज 9 बजे टेलीग्राम पर रोज डालता हूँ कि 6 महीने उस क्लास को नहीं छोड़ना है कुछ भी हो याद है मैं कुछ भी करूँ देखो एक दायरा होता है कोचिंग में हमें सिलेबस करवाना है और यूट्यूब पर कोई सिलेबस नहीं करवाना है तो वहाँ कुछ भी बताया जा सकता है कितना भी डीपली बताया जा सकता है लेकिन विद्यार्थी के अंदर एक भूख होनी चाहिए कि मुझे सीखना ही सीखना है मास्टर जो सिखाए ये भी सीख लूँ ये सिखाए ये भी सीख लूँ ठीक है अब तू ब्यावर का है मैं तेरे से अगर ये पूछ लूँ कि ब्यावर के अंदर कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई है तो नाम बता दे मेरे अब बता दे क्यों नहीं पढ़ा तो ये तो कह रहा हूँ ना एमए का यानी ये मान के तू तो लास्ट स्टेज पर चल रहा है 1-2 साल बाद तू कोई पेपर नहीं दे पाएगा उसके बाद में तू बैठा बैठा रोएगा ठीक है पापा क्या करते हैं पापा ने तो तू सोच रहे की जिम्मेदारी दे तो फिर तू कह रहा है कि पढ़ाई कितनी दुख की बात है बता मेरे को बहुत दुख हुआ आज ये जानकर भाई जी मैच में जो है